शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागों में सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है, लेकिन टीचर्स ग्रेड थर्ड ट्रांसफर पर कई तरह की पाबंदियां लागू रह गई। सरकार की मनाही के बाद अब शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिल बिलाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ट्रांसफर बच्चे 8 से 65 अस्पताल में पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, बार बार कहते हैं नीतियां बढ़ाएंगे, नीतियां कहीं आती नहीं। परेशान शिक्षकों की सरकार से गुहार। 2 साल में संविधान बन सकता है, इनकी पॉलिसी 4 साल होगी, 4 साल में पॉलिसी नहीं बनी है। हमारी एक ही मांग है, तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर करो। 15 सालों से तबादलों का इंतजार। इस बार भी नहीं होंगे तबादले, थर्ड ग्रेड टीचर्स के नहीं होंगे तबादले। 15 सालों से तबादलों का इंतजार। परेशान शिक्षकों की सरकार से गुहार। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स में लगे ट्रांसफर से बैन हटा दिया है, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स का इंतजार अब भी जारी है। पिछले 15 सालों से तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे प्रतिबंधित जिलों में तैनात टीचर्स के ट्रांसफर्स का सपना भी चकनाचूर हो गया। सरकार ने हमें लॉलीपॉप के माध्यम से अगस्त में हमारे आवेदन ले लिए गए और 9 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में 10 ऐसे प्रतिबंधित जिले हैं जहां शिक्षकों के तबादले पर पूरी तरह बैन है, लेकिन अब सरकार ने प्रतिबंधित 10 जिलों में तबादले की मनाही कर दी है। आइए एक नजर डालते हैं शिक्षा विभाग द्वारा तबादले के लिए प्रतिबंधित किए गए जिलों की सूची पर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बारा, जालौर, झालावाड़ और बीकानेर। टीपीएस जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर का आंशिक भाग, राजसमंद का खमनौर, कुंभलगढ़ ब्लॉक, सिरोही का आबू रोड और पिंडवाड़ा ब्लॉक, चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी और पाली का बाला ब्लॉक टीएसपी का क्षेत्र है। इन जिलों को शिक्षा विभाग ने प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है। टीचर्स का कहना है कि 4 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी तबादले की पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई। मैं खुद 12 महीने से हार्ट का पेशेंट हूं। अब मैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको मैं वहाँ घर पे वहाँ ले जा नहीं सकता। अब मैं पुत्र का कर्तव्य निभाऊं या ड्यूटी करूं। उधर शिक्षा मंत्री का कहना है कि पॉलिसी के आधार पर ही कोई राहत सरकार दे पाएगी। हमारे वरिष्ठ अध्यापकों की सीनियरिटी जो है वो डिवीजन वाइज है, लेकिन उसके बाद स्कूली व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्राचार्य।